जरा सोचो, तुम्हें पबजी स्टाइल में एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाए जहां जिंदा रहने के लिए तुम्हें सभी हदें पार करनी होंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहां हम कुछ जवान लोगों को देखते हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ वाइल्ड 7 नाम का एक ग्रुप बनाया था। उनका लीडर था शुयू ननहारा, पर सरकार इनके ग्रुप को आतंकवादी ग्रुप मानती थी, इसीलिए इसका खात्मा करने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया जिसका नाम है बैटल रॉयल 2। इसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहां देश भर के सबसे डफर बच्चे पढ़ते थे। असल में सरकार ने इनका नाम हर एक रिकॉर्ड से हटा दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। खैर, एक दिन 9वीं क्लास के सभी बच्चों को ट्रिप पर ले जाया जा रहा था कि अचानक सभी बच्चों को बेहोश कर दिया गया। बाद में जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सबके गले में अजीब से इलेक्ट्रिक कॉलर्स बंधे हुए थे। असल में जापानी सरकार ने उनकी बस को हाईजैक कर लिया था और फिर उन्हें सीधा मिलिट्री बेस पर लाया गया। वहां उन सबको पिंजरों में कैद कर दिया गया। सभी बच्चों ने चीख चिल्लाकर वहां से भागने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही उनका टीचर रिकी वहां आया और उसने खुलासा किया कि वो भी सरकार से मिला हुआ है। उसने ऐलान किया कि सभी बच्चों को नई बैटल रॉयल गेम खेलनी होगी। फिर उसने गेम के रूल्स बताते हुए कहा कि उन्हें 72 घंटों में वाइल्ड 7 ग्रुप के खिलाफ जंग लड़नी है। एक ही रूल है, बस उनके सभी मेंबर्स को मारना है, चाहे जैसे मर्जी मारो। इसके बाद रिकी ने कहा कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो जंग में हिस्सा ले सकते हैं या फिर वो उन्हें अभी मार देगा। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए वो जंग में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए, मगर एक बच्चा नहीं माना। खैर, कानून के हिसाब से ही उसे तुरंत मार दिया गया। कुछ ही पलों में एक लड़की का कॉलर आवाज करने लगा और तब रिकी ने एक और खुलासा किया। उसने बताया कि हर बच्चे का कॉलर किसी दूसरे बच्चे से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा मारा गया या रेंज से बाहर हो गया तो उसके साथी के कॉलर में लगा बॉम्ब भी फट जाएगा। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी, पर कॉलर के फटते ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद बचे हुए 40 बच्चों को कवच और हथियार देकर मिशन के लिए रवाना कर दिया गया। वो सब कश्तियों के जरिए एक आइलैंड पर पहुंचे जहां वाइल्ड 7 ने कब्जा करके अपना अड्डा जमा रखा था। जैसे ही वो आइलैंड के करीब पहुंचे तो वाइल्ड 7 के मेंबर्स को लगा कि वो फौजी हैं, इसीलिए उन्होंने बच्चों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस धुआंधार गोलीबारी में 12 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। खैर, बाकी बचे हुए बच्चे जैसे तैसे आइलैंड तक पहुंचे, पर जल्द ही वो दो गुटों में बट गए। एक हिस्सा बीच की ओर भागा और दूसरा पत्थरों के पीछे छुप गया। कुछ समय बाद वहां एक हेलीकॉप्टर आया जिसमें से बिल्कुल पबजी स्टाइल में उनके लिए हथियार नीचे फेंके जा रहे थे। बच्चों ने तुरंत दौड़कर ग्रेनेड्स, बंदूकें और फर्स्ट एड किट्स उठाई। इसके बाद वो सुरक्षित जगह की तरफ भागे, पर रास्ते में शुगो नाम के लड़के को गोली लग गई। उसके साथियों ने उसका बहता हुआ खून रोकने की कोशिश की, मगर खून बहता ही जा रहा था। तभी शुगो का कॉलर आवाज करने लगा और सबने देखा कि उसकी साथी मिकी रेंज से बाहर चली गई थी। सबने चिल्लाकर मिकी को अपने पास बुलाया, पर मिकी घबराहट के मारे दूसरी ओर ही भागती रही और अचानक कॉलर के फटने से उसकी मौत हो गई। मिकी की मौत के बाद अब शुगो की बारी थी, पर मरने से पहले उसने कुछ दुश्मनों को मार गिराने का फैसला किया। शुगो तुरंत ही खाली मैदान में जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, पर अचानक दुश्मन निशानेबाज ने उसे गोली मार दी। इसके बाद सभी बच्चे एक खंडहर जैसी बिल्डिंग में घुसे। वहीं दूसरी ओर रिकी अब तक मर चुके बच्चों की लिस्ट बना रहा था। बिल्डिंग में हारुका नाम की लड़की ने इंसुलिन दवाई निकालकर अपने शरीर में इंजेक्शन लगा लिया। जब टाकुमा नाम के एक लड़के ने इसके बारे में पूछा तो हारुका ने बताया कि मुझे बचपन से डायबिटीज है और अब उसके पास सिर्फ 3 दिन की दवाई बाकी है। अगर उन्होंने अपना मिशन जल्दी पूरा नहीं किया तो उसकी दवाई खत्म हो जाएगी। तभी अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ और सभी बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनका एक साथी एक पोल से लटका हुआ था और उसके हाथ पैर बुरी तरह कट चुके थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह इलाका बॉम्ब से भरा हुआ है। उसी पल एक लड़की का कॉलर आवाज करने लगा और तभी बच्चों के बीच हाथापाई शुरू हो गई कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जब बच्चों के दूसरे ग्रुप को इसकी खबर मिली तो टाकुमा उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर तभी शियोरी नाम की लड़की ने उसे बंदूक दिखाकर रोक दिया। उसने कहा कि वो टाकुमा को कहीं नहीं जाने देगी, क्योंकि शायद वो ही उसका साथी है। तब ये खुलासा होता है कि शियोरी उसी टीचर की बेटी थी जिसे वाइल्ड 7 के लीडर निहारा ने 3 साल पहले मार डाला था। तब से वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर पोल पर लटका बच्चा अचानक नीचे गिर गया, जिससे वहां मौजूद सभी बॉम्ब्स एक एक करके फटने लगे। इस दुर्घटना में कई बच्चे मारे गए और अब सिर्फ 18 बच्चे ही जिंदा बचे थे। खैर, फिर बच्चों के दोनों ग्रुप एक साथ वाइल्ड 7 के अड्डे की ओर निकल पड़े। यह अड्डा एक ऊंची पहाड़ी पर था जहां चढ़ना बेहद मुश्किल था, मगर वो जैसे तैसे दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए ऊपर तक आ पहुंचे।
अंदर जाकर उन्होंने एक छोटी लड़की को भागते देखा तो वो भी उसके पीछे भागे, पर अचानक चारों ओर जबरदस्त धमाके होने लगे। इससे पहले कि बच्चे खुद को संभालते, चारों ओर लाइट्स जली और दुश्मनों ने उन पर बंदूकें तान दी। दुश्मनों ने उन्हें अपने हथियार नीचे फेंकने को कहा, मगर एक बच्चे ने गोलियां चला दी और इसी चक्कर में दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान और 6 बच्चे मारे गए और तभी उनके साथियों के कॉलर्स से आवाजें आने लगी। जब वाइल्ड 7 के मेंबर्स ने उनके कॉलर्स देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये बच्चे फौजी नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से एक बड़ी सी EMP मशीन लेकर आए जिससे सारे बच्चों के कॉलर्स खराब हो जाएं। हुआ भी कुछ ऐसा ही और सभी कॉलर्स ने काम करना बंद कर दिया और उनका मिलिट्री बेस से संपर्क भी टूट गया। उधर बेस कैंप में जब ऑफिसर्स ने देखा कि सभी कॉलर्स का संपर्क टूट गया है तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल फोर्स बनाकर आइलैंड की ओर रवाना की ताकि वो इस अधूरे मिशन को पूरा कर सके। उधर वाइल्ड 7 के अड्डे पर सभी बच्चों से हथियार लेकर उन्हें ननहारा के सामने लाया गया। वहाँ बच्चों ने देखा कि जमीन पर वाइल्ड 7 के मर चुके मेंबर्स की लाशें मौजूद थी। इन मेंबर्स के अनाथ बच्चे भी यहीं थे जिन्होंने जंग में अपने माँ बाप को खो दिया था। खैर, फिर ननहारा ने उन सब से पूछा कि क्या मेरी जान लेकर सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि अगर तुम सबने ये मिशन पूरा कर भी लिया होता तब भी सरकार तुम्हें सुखी जीवन नहीं बिताने देगी। इसीलिए ननहारा ने कहा कि वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक सरकार उन्हें एक अच्छा जीवन देने का वादा न करे। ये सब सुनकर बच्चों को एहसास हुआ कि वाइल्ड 7 के लोगों की दुश्मनी उनसे नहीं बल्कि सरकार से है। वो तो सरकार से अपने हकों की मांग कर रहे हैं। तब बच्चों ने वाइल्ड 7 का साथ देकर बैटल रॉयल को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्स उनके अड्डे तक आ पहुंची थी। एक लड़के ने उन्हें देख लिया और उसके सभी साथियों को इसकी खबर दी। तब वाइल्ड 7 और सभी बच्चे उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। जब फौजियों ने बच्चों को वाइल्ड 7 की तरफ से लड़ते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत ही इसकी खबर मिलिट्री बेस को दी। फिर दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और लड़ाई हुई, पर आखिर में वाइल्ड 7 और बच्चों ने मिलकर फौजियों को धूल चटा दी। पर इस दौरान दवाई ना मिलने की वजह से हारुका की मौत हो गई और टाकुमा को इतना गुस्सा आया कि उसने ननहारा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो भी जालिम सरकार से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिओरी एक खाली कमरे में पहुंची जहां उसे एक पियानो मिला। उसने पियानो बजाना शुरू किया तो उसे याद आया कि कैसे वो अपने घर पर पियानो बजाती थी। एक दिन वो अपने घर पर पियानो बजा रही थी तो उसके पिता कमरे में आ गए। वो उनसे बहुत नाराज थी क्योंकि वो उसका जन्मदिन भूल गए थे। शिओरी ने गुस्से में अपने पिता से बात नहीं की, मगर वो क्या जानती थी कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। खैर, अब उनके मिशन का तीसरा दिन था और सभी बच्चों के गले से कॉलर्स हट चुके थे। ननहारा को एहसास हुआ कि सरकार को हराने के लिए उसे पूरी दुनिया में अपनी बात फैलाकर उनका साथ पाना होगा। इसीलिए उसने एक वीडियो बनाई और कहा कि हर एक इंसान को खुलकर जीने का अधिकार होना चाहिए, मगर जापान की सरकार तो उन्हें आतंकवादी घोषित करके उन्हें मारने पर तुली हुई थी। इसीलिए ननहारा ने दुनिया के हर एक इंसान को अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया। इसके कुछ ही समय बाद वाइल्ड 7 के अड्डे पर मिसाइल्स से हमला हुआ। इस जबरदस्त धमाके में कई बच्चों और वाइल्ड 7 मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने दौड़ा। उधर मिलिट्री बेस पर ऑफिसर्स ने जापान के PM से बात की तो पता चला कि ये मिसाइल्स USA ने छोड़ी थी। USA ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 12 घंटे में वाइल्ड 7 से समझौता नहीं किया तो वो फिर से हमला करेंगे। अब USA के हमले से बचने के लिए PM ने फौज की कमान अपने हाथ में ली और पूरी फौज को आइलैंड की ओर रवाना करके किसी भी हालत में वाइल्ड 7 का नामो निशान मिटाने का हुक्म दिया। ये देखकर रिकी को बहुत गुस्सा आया और उसने सबको दिखाया कि उसने भी बच्चों की तरह कॉलर पहना हुआ था, यानी कि वो भी ये सब मजबूरन कर रहा था। उधर आइलैंड पर बचे हुए बच्चों ने अपने मरे हुए साथियों का अंतिम संस्कार किया और उनके सम्मान में हवा में गोलियां भी चलाई। तब ननहारा ने आगे का प्लान बताते हुए कहा कि सभी बच्चे खुफिया सुरंग से होते हुए आइलैंड से बाहर चले जाएंगे और वाइल्ड 7 के मेंबर्स यहां रुककर जापानी फौज का सामना करेंगे। फिर अगली सुबह सभी बच्चे वाइल्ड 7 को अलविदा कहकर निकल पड़े, मगर शिओरी उनके साथ नहीं गई। उधर वाइल्ड 7 की पूरी टीम जापानी फौज के खिलाफ होने वाली आखिरी जंग की तैयारी में जुट गई। कुछ ही समय में सैकड़ों फौजियों ने आइलैंड पर हमला कर दिया। वाइल्ड 7 ने फौजियों का सामना करने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो इतने सारे फौजियों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। उधर सुरंग में जब बच्चों को गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी तो उन्हें एहसास हुआ कि वाइल्ड 7 को मदद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए टाकुमा और उसके दो और साथियों ने बहादुरी दिखाते हुए वापस जाने का फैसला किया। जल्द ही वो जंग में शामिल हो गए और पूरे जी जान के साथ फौजियों से लड़ने लगे। बिल्कुल मरने की कगार पर भी उन्होंने दुश्मनों पर एक बड़ा सा रॉकेट छोड़कर अपनी जान कुर्बान की। उधर वाइल्ड 7 की एक मेंबर ने देखा कि फौजी बहुत करीब आते जा रहे थे तो उसने बाकी साथियों को आगे बढ़ने को कहा और खुद फौजियों का सामना करने के लिए वहीं रुक गई।
जैसे ही उसके साथी गए उसने एक टाइम बॉम्ब से धमाका किया जिससे कई दुश्मन मारे गए और खुद वो भी शहीद हो गई। अब दोनों तरफ से लगातार भयंकर लड़ाई चल रही थी जिससे दोनों तरफ ही जान माल का बहुत नुकसान हो रहा था। अंत में सिर्फ ननहारा, शियोरी और टाकुमा ही जिंदा बचे थे। उन्होंने मिलकर फौजियों के कैप्टन को मार डाला मगर ये काफी नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ करते रिकी वहां आ पहुंचा और उसने कहा कि वो वाइल्ड सेवन के साथ है। तभी अचानक उसके कॉलर से आवाज आने लगी और वो समझ गया कि अब वो नहीं बचेगा। इसीलिए उसने तुरंत उन तीनों को वहां से भागने को कहा। जैसे ही वो तीनों भागे वहां जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें पूरा अड्डा बुरी तरह तबाह हो गया। मगर बाहर जाकर भी उन तीनों को कई फौजियों का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही थी कि अचानक एक गोली शियोरी को जा लगी। ये देखकर ननहारा ने तुरंत उसे संभाला और टाकुमा अकेला लड़ता रहा। मरने से पहले शियोरी ने ननहारा को बताया कि वो उसी टीचर की बेटी है जिसे ननहारा ने मारा था। पर फिर शियोरी ने उसे माफ कर दिया क्योंकि अब वो समझ गई थी कि ननहारा सही वजह के लिए लड़ रहा है। जल्द ही वो मर गई और फिर ननहारा और टाकुमा ने मिलकर जोरों शोरों से फौज का मुकाबला किया। जल्द ही यूएसए ने मिसाइल्स छोड़कर पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया जिसमें सभी जापानी फौजी मारे गए। आखिरकार बैटल रॉयल खत्म हो गया पर ननहारा, टाकुमा और बाकी बच्चों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस घटना के 3 महीने बाद हम देखते हैं कि टाकुमा और ननहारा अफगानिस्तान के अंदर रेगिस्तान में कहीं जा रहे थे और जल्द ही वो अपने बाकी साथियों से भी मिले। आखिरकार सब इकट्ठा होकर बेहद खुश थे पर भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।